एक ऐसा देश जहाँ पर एक ऐसा पुल है जो 124,000 साल पुराना है, जो कि आज भी समुद्र में तैर रहा है, वो भी बिना किसी पिलर के। और इस देश की लड़कियाँ इतनी सुंदर होती हैं कि यहाँ पर हर साल लाखों में सैलानी आते हैं। आज के इस वीडियो में श्रीलंका के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जानेंगे जो सचमुच अपने आप में बिल्कुल अलग है। फैक्ट की शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी मजा आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर वन, भारत से श्रीलंका की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है, पर इस 30 किलोमीटर की दूरी में एक रहस्यमयी तैरता हुआ पुल पड़ता है जिसका नाम राम सेतु है। राम सेतु को सभी लोग जानते हैं। इस पुल के बारे में कहा जाता है कि यह पुल भगवान श्री राम वानर सेना के साथ बनाया था, जिसका उल्लेख रामायण में किया गया है। इस पुल का अभी तक यह शोध नहीं हो पाया है कि यह पुल तैर कैसे रहा है। 14वीं सदी में आए भीषण तूफान के चलते इसके कई हिस्से टूट चुके हैं, जिसकी वजह से इस पर से आवागमन ठप हो गया है। लेकिन फिर भी ये एक इत्तेफाक है कि इस रहस्यमय का पर्दा अभी तक उठ नहीं सका है। फैक्ट नंबर टू, श्रीलंका को 1978 तक लंका के नाम से जाना जाता था, लेकिन लंका हिंदू अभिलेखों के अनुसार अच्छा नहीं लगता था, तो इसके नाम के आगे सम्मान देने के लिए श्री जोड़ दिया गया। लंका शब्द को हिंदू धर्म के रामायण में बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है, क्योंकि इसे रावण के राजपाट की वजह से जाना जाता था। फैक्ट नंबर थ्री, श्रीलंका में सिंहली की संख्या तमिलों से बहुत ज्यादा है। इन दोनों समूहों को एक दूसरे से कभी बनी नहीं, जिसके कारण सिंहली और तमिल के बीच कई सालों तक युद्ध चलता रहा। तकरीबन 80,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। इस युद्ध का विराम 2019 में जाकर खत्म हुआ। लेकिन खास बात यह है कि श्रीलंका के इस गृह युद्ध में तमिल का एक आतंकी संगठन बना जिसका नाम लिट्टे था। ये लिट्टे वही आतंकवादी संगठन है जिसने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की थी। फैक्ट नंबर फोर, श्रीलंका को भारत के आंसू के रूप में भी जाना जाता है। बात यह है कि श्रीलंका का शेप बिल्कुल एक बूंद की तरह है जो भारत से अलग होता दिखता है ना अजीब। खैर आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर फाइव, श्रीलंका में 2400 साल पहले यहाँ की आबादी केवल हिंदू थी, जिसका उल्लेख रामायण में भी किया गया है। बाद में अशोक सम्राट ने अपने पुत्र महेंद्र को भेजकर यहाँ बौद्ध धर्म का बहुतायत प्रचार प्रसार किया, जिसकी वजह से यहाँ बौद्ध की संख्या ज्यादा हो गई। यहाँ बौद्ध की संख्या 71% के करीब है, जो कि दूसरे नंबर पे तमिल आते हैं। फैक्ट नंबर सिक्स, वैसे तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, लेकिन यहाँ क्रिकेट का बहुत ज्यादा क्रेज है। वर्ष 1996 में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर एक विश्व कप जीता था। पाकिस्तान से एक बात याद आती है कि जब श्रीलंका की टीम पाकिस्तान खेलने गई थी, तब पाकिस्तानी आतंकी श्रीलंकाई खिलाड़ियों के ऊपर हमला कर दिए थे। इस घटना के बाद कभी भी कोई भी टीम पाकिस्तान मैच खेलने नहीं गई। फैक्ट नंबर सेवन, श्रीलंका की पॉपुलेशन तकरीबन 2,16,00,000 है, और श्रीलंका में केवल 9 राज्य हैं, जिसमें से 25 जिले हैं, मतलब कि एक छोटा और खूबसूरत देश। फैक्ट नंबर एट, क्या आपको पता है कि श्रीलंका साउथ एशिया में भारत के बाद दूसरा सबसे अमीर देश है, और यहाँ की साक्षरता दर तकरीबन 92% है, और लड़कियों की साक्षरता दर 95% से भी ज्यादा है। इस देश की सुंदरता के साथ साथ इस देश की लड़कियां भी बहुत सुंदर होती हैं। और क्या आपको पता है कि बॉलीवुड में काम करने वाली अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस भी श्रीलंका की ही रहने वाली हैं। पर क्या आपको पता है कि श्रीलंका देश में वैश्यवृत्ति भी बहुत ज्यादा चलता था। हालांकि अब श्रीलंका में वैश्यवृत्ति गैर कानूनी जरूर है, लेकिन आज भी यहाँ के लगभग 60% होटलों में ऐसे काम धड़ल्ले से चल रहे हैं। फैक्ट नंबर नाइन, लगभग 1800 ईस्वी में श्रीलंका पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, तब के यहाँ के राजा कैंडी ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर लिया। सन 1948 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान श्रीलंका को आजादी मिली। फैक्ट नंबर टेन, अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, तो इसका जवाब है श्रीलंका के श्री लमाओ भंडार नायके।
जो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। फैक्ट नंबर 11, श्रीलंका में बहुत ज्यादा झरने और खूबसूरत पहाड़ों की संख्या ज्यादा है, जिन्हें लोग दूर दूर से घूमने यहाँ पर आते हैं, क्योंकि श्रीलंका सस्ते देशों की कंट्री में से एक आता है, जहाँ पर आम बंदे कम पैसों में ज्यादा लुफ्त उठा सकते हैं। फैक्ट नंबर 12, अगर श्रीलंका में खाने की बात करूं तो यहाँ पर मुख्य तौर पर चावल और मछली का सेवन ज्यादा होता है, और चावल की क्वालिटी उत्तम होती है, यानी कि खाने में लाजवाब। फैक्ट नंबर 13, श्रीलंका में एक फेमस मंदिर बौद्ध का है, जहां भगवान बुद्ध के दांत का एक टुकड़ा आज भी सुरक्षित रखा गया है, जिसको देखने के लिए लोग बाहर से दूर दूर से यात्रा करके आते हैं। तो दोस्तों, यदि श्रीलंका के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।